हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चुलबुस किचन। चुलबुस किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। गोभी कटा हुआ, 4 से 5 आलू बॉईल किया हुआ, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, चिकन मसाला 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच और खड़ा मसाला हम लोगों ने लिया यहाँ, धनिया 1 चम्मच, दालचीनी 2 और काली इलायची 2, हरी इलायची 2, जावित्री छोटा सा टुकड़ा, लौंग 4 से 5, काली मिर्च 10 से 15 और आधा चम्मच सौंफ। इसके बाद हमें चाहिए 2 मीडियम साइज का टमाटर, 2 मीडियम साइज का प्याज लंबा काटा हुआ, 4 हरी मिर्च, लहसुन 1 इंच चाहिए आदि। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑन करते हैं। सबसे पहले तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, हमारा तेल गर्म हो चुका है। दालचीनी डालेंगे, धनिया डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, सौंफ डालेंगे, लौंग डालेंगे, जावित्री, काली इलायची, हरी इलायची, हमें 8 मीडियम रखना है। हमारा 8 मीडियम है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च आदि, थोड़ा चलाते रहेंगे। टमाटर, हमारा ये 5 मिनट हो चुका है, इसे ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसे हम बंद कर देंगे, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हमें पीसना है। कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, गोभी को सैलो फ्राई करेंगे, चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम लोग का ये गोभी फ्राई हो चुका है, बंद कर देते हैं, निकाल देते हैं। हम आलू को फ्राई करेंगे। पहले आलू को काट लेते हैं। हमने इसे बॉईल किया था, अगर आप चाहे तो इसे कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, पर हम इसे बॉईल करके डाल रहे हैं। एक आलू को ऐसे मैश कर ग्रेवी ऑन करेंगे, तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, इसे भी हल्का फ्राई करेंगे, चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आलू को ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग का ये ठंडा हो चुका है, इसे मिक्सी में चला देते हैं। हमारा ये आलू फ्राई हो चुका है, बंद कर देंगे गैस, निकाल लेंगे। हमारा ये मसाला पीस चुका है,
डालेंगे। कढ़ाई गरम है, 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। इसी तरह मसाला भूनते रहेंगे, बाकी का मसाला भी डाल देंगे। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ये जो जार में थोड़ा मसाला था उसमें पानी डाल के डालेंगे, थोड़ा सा तो मसाला भी है। मसाला को हम अच्छी तरह भून लेंगे। हमारा आधा मसाला पक चुका है, बाकी का मसाला आलू रख के पकाएंगे ताकि आलू इसमें अच्छे से मिल जाए। और गोभी को लास्ट में डालेंगे इसलिए क्योंकि वो टूट जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी रख के पकाते रहेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारा मसाला पक जाए। हमारा मसाला लगभग पक चुका है, थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसमें गोभी भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि इसमें गोभी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसे हमें लो फ्लेम पे रख के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। सब्जी लगभग हमारा हो चला है। इसमें हम पानी डालेंगे। अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, पर हमें ग्रेवी ज्यादा नहीं चाहिए इसीलिए हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे बॉयल होने देंगे हाई फ्लेम पे। अच्छी तरह मिला देंगे। लास्ट में कसूरी मेथी ऐसे हमारा सब्जी हो चुका है। अब इसे बंद कर देंगे। अब इसे सर्व करेंगे। इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। हमारी गोभी की सब्जी बिल्कुल तैयार है।